हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड हमीरपुर में परिचालकों के पदों के लिए जमा दो की योग्यता रखे जाने पर हिमाचल परिवहन निगम में कौशल विकास भत्ता के तहत प्रशिक्षुओं को 3 सालों से सेवाएं दे रहे प्रशिक्षुओं में गहरा रोष पनपा हुआ है। प्रशिक्षुओं ने हमीरपुर स्थित सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यालय में आकर ज्ञापन सौंप कर जल्द प्रशिक्षुओं को राहत प्रदान करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड हमीरपुर में परिचालकों के पदों के लिए जमा दो की योग्यता रखी जाने पर हिमाचल परिवहन निगम में कौशल विकास भत्ता के तहत प्रशिक्षुओं को 3 सालों से सेवाएं दे रहे प्रशिक्षुओं में गहरा रोष पनपा हुआ है। प्रशिक्षुओं ने हमीरपुर स्थित सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यालय में आकर ज्ञापन सौंप कर जल्द प्रशिक्षुओं को राहत प्रदान करने की मांग की है। प्रशिक्षित परिचालक संघ के दर्जनों प्रशिक्षुओं ने कार्यालय में आकर अनुराग ठाकुर के पीएम अनुपम लखनपाल को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि 90% ऐसे परिचालक हैं जिन्होंने केवल 10वीं तक ही पढ़ाई की है, लेकिन नए परिचालकों की भर्ती के लिए जमा दो का होना अनिवार्य है, जो कि गलत है। प्रशिक्षु परिचालकों ने बताया कि सरकार के द्वारा निकाली गई नई रिक्तियों में 10वीं की बजाय जमा दो की शर्त रखी गई है, जो कि गलत है, क्योंकि जिस समय एचआरटीसी में कौशल विकास भत्ता के तहत प्रशिक्षुओं ने काम करना शुरू किया था उसमें ऐसी कोई शर्त नौकरी के लिए नहीं रखी गई थी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कौशल विकास भत्ते के तहत प्रशिक्षु परिचालकों को मौका दिया जाए। हमने एचआरसी में ट्रेनिंग की तब इन्होंने हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं रखी थी, ठीक है। बाद में बोला कि आपको कोई पॉलिसी बना के आपको एचआरटीसी में जॉब मिलेगा। चलो मतलब इन्होंने बोला 2-3 दिन में ट्रेनिंग होगी, उसके बाद यहाँ 2-2 साल मतलब बार बार बंदे को रिपीट करवा के ट्रेनिंग करवा दी। उसके बाद इन्होंने 2-3 साल जो भी लगवा दी, बाद में इन्होंने पोस्टें निकाल दी। अब इसमें इन्होंने रख दिया कि प्लस टू कंपलसरी होनी चाहिए, जबकि मतलब 90% ऐसे हैं जो मतलब मैट्रिक है प्लस टू नहीं है। अब इस चीज में आप ये बताइए उन लोगों की क्या गलती है। अब अगर ऐसी बात ही तो ये प्लस टू लाइसेंस बनाते, इससे कम तो वहाँ कंडीशन तो रहती है कि मैट्रिकुलेट का लाइसेंस नहीं बनेगा, जबकि हमारे ऑलरेडी 1999 से लाइसेंस बने हैं, उस टाइम के हम मैट्रिकुलेट हैं। तो अब हमारे लिए इस चीज को हम कैसे फेस करें, हम तो ये चाहते हैं कि एक तो उन्होंने पॉलिसी बनाई, उसके बाद जो भी अब आगे ये बोल रहे कि प्लस टू, अब आप बताएं कि हम कहाँ जाएं। हमारी सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि जिन्होंने एचआरटीसी में जो प्रशिक्षु जिन्होंने ट्रेनिंग की है उनको मौका दिया जाए, या फिर जो मौका भी दिया जाए और ये प्लस टू की जो है ना लगाई है नया ये निकाला, इसको हटाया जाए। प्रशिक्षु परिचालकों ने बताया कि साल 2015 से कौशल विकास भत्ते के तहत सेवाएं दे रही हैं, लेकिन अब प्रशिक्षण के बाद 2.5 साल और काम करवाया है और निकाले गए पदों के लिए 10वीं की बजाय जमा दो अनिवार्य किया गया है जिसे बदला जाए। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले भी शिमला में 1 महीने की हड़ताल पर बैठे हुए थे, उसमें मैं भी परिवहन मंत्री को इसके बारे में बताया गया था, लेकिन फिर भी नई भर्तियों में जमा दो की शर्त रखी है जो कि नहीं होनी चाहिए। सर मेरा नाम सोनू वर्मा है, मैं हमीरपुर डिपो से 2015 से कौशल विकास भत्ते के अंडर लगी हुई हूँ। सर हमने मतलब जैसे शुरू में 2.5 महीने की ट्रेनिंग की, उसके बाद इन लोगों ने 2.5-3 साल लगवा लिए, और मतलब अब इन्होंने जो पोस्टें निकाली हुई है उसमें इन्होंने बेस रखा हुआ है प्लस टू, लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो मैट्रिक पास हैं। और क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या ऐसी है कि हम चाहते हैं कि जैसे इन्होंने बेस प्लस टू रखा हुआ है तो मैट्रिक किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब 45-50 अबव हैं, उन लोगों के लिए मौका मिलना चाहिए। और हम पहले स्ट्राइक के ऊपर आज से 1 साल पहले शिमला में 1 महीने के लिए स्ट्राइक के ऊपर बैठे, उस टाइम हम मतलब मंत्री साहब से मिले और हमने उनको अपनी समस्या बताई, और हमने उनको ऑप्शन रखा कि आप बैच वाइज या एज वाइज रख लो, या जैसे हमारे लाइसेंस है कंडक्टर लाइसेंस है उनके बेस पे रख लो। और आज हम धूमल जी के माध्यम से मंत्री साहब को ज्ञापन भेज रहे हैं कि ताकि हमारी समस्याओं का हल किया जाए।
केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के पीए अनुपम लखनपाल ने बताया कि एचआरटीसी में कौशल विकास भत्ते के तहत प्रशिक्षण ले रहे दर्जनों प्रशिक्षुओं ने अनुराग ठाकुर को ज्ञापन भेजा है, जिसमें बताया गया है कि कौशल विकास भत्ते के तहत रखे गए प्रशिक्षुओं को सरकार द्वारा निकाले गए भर्ती में जमा दो की योग्यता की शर्त को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं की मांग को सरकार के समक्ष रखा जाएगा ताकि प्रशिक्षुओं की समस्या का हल हो सके। इस अवसर पर प्रशिक्षु परिचालक संघ के अधिकारियों में दीपक ठाकुर, राजेश, राजदेव सिंह, जोगिंदर, सुशील, अजय शुक्ला, आशु मौजूद रहे। कौशल विकास भत्ते के अंतर्गत जो परिचालक पहले रखे जाते थे, अब इन परिचालकों का इश्यू ये आ रहा है कि जो क्वालिफिकेशन पहले इनकी 10th क्लास होती थी वो अब प्लस टू इन्होंने कर दी है सरकार की तरफ से, और चयन बोर्ड के माध्यम से लोगों को उसमें अपॉइंट करने का विषय लोगों ने उठाया है। तो इन्होंने ज्ञापन इसमें सौंपा है अनुराग जी के लिए, तो हम कोशिश इसमें करेंगे कि गरीब लोग हैं, बहुत जेन्युइन इनकी समस्या है, तो इनका जो विषय है वो सरकार के समक्ष हम रखें और इनको राहत इसमें मिले, ये हम कोशिश करेंगे।